अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर गुलकान आरिफ और अभी हम लोग ये ओरियो की न्यूट्रिंग करने लगे हैं। ये बेसिकली कंफ्यूजिंग केस है कि ये अभी अकॉर्डिंग टू ओनर 4 मंथ्स का है, बट ये फीमेल के ऊपर जो है अटेम्प्ट कर रहे हैं मेटिंग के लिए। तो ये कैसे पता लगेगा कि आपका जो टॉम है वो रेडी है न्यूट्रिंग कराने के लिए या वो मेट कर सकता है कि नहीं? तो उसके लिए जो एक सिंपल सा टेस्ट होता है जो वेट्स परफॉर्म करते हैं यूजुअली, वो क्या होता है कि जब आप इसके जो होते हैं इसका जो ये पिनाइल ऑर्गन होता है इसके ऊपर स्पाइंस बन जाते हैं। जब ये टॉम्स अडल्ट होते हैं तो आप अगर देखें तो इसकी बेस के ऊपर स्पाइंस होंगे। ये स्पाइंस जो हैं ये अडल्ट टॉम्स के अंदर ही होते हैं। जो सिंपल जो बच्चे अब टॉम अडल्ट नहीं होते उनके अंदर ये स्पाइंस नहीं बनते। तो मतलब ये है कि ये टॉम जो है ये इनफ टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि मेटिंग के लिए ज़रूरी होता है और ये मेट करके बच्चे प्रोड्यूस कर सकता है। तो आइडियली 5 मंथ से लेकर 8 मंथ तक आप न्यूटर करवा दें टॉम्स को, और अगर आपको एज कंफर्म नहीं है तो आप उसको ये चेक करवाएं कि क्या उसके अंदर T4 हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हम इसकी न्यूट्रिंग कर देते हैं तो ये जो स्पाइंस आपने अभी देखे हैं ये 6 मंथ के बाद डिसअपीयर हो जाएंगे। होपफुली ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके इस टॉपिक रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।